फ्रेंड्स, वेलकम टू ओपस किचन। आज आप लोग को पनीर टिक्का मसाला बना के दिखाऊंगी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। पनीर टिक्का मसाला बनाने को ये सब इंग्रेडिएंट्स चाहिए। 200 ग्राम पनीर लिया, ऐसे स्क्वायर में कट के रखा। आप लोग को दूसरा शेप पसंद है तो दूसरा शेप में भी कट सकते हैं। और टमाटो एकदम बारीक करके कट के रखा, एक बड़ा साइज का। कांदा एक बड़ा साइज का कट के रखा बारीक करके। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच लिया। खड़े मसाला, गरम मसाला हो, दालचीनी, इलायची, 4 लवंग और 3 तेज पत्ता लिया। बनाने के लिए तेल और बेसन लिया, 2 चम्मच दही, स्वाद अनुसार नमक, रेड चिली पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच और पनीर टिक्का मसाला 1 चम्मच और जीरा। कढ़ाई गरम होने के लिए रख दिया। कढ़ाई गरम हो गया, अभी जो 2 चम्मच बेसन लिया और ड्राई रोस्ट होने के लिए रख दिया। बेसन को, बेसन रोस्ट हो गया। अभी गैस बंद करके एक बाउल में निकाल लेती हूँ। वही कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल डाल के गर्म होने के लिए रख दिया। मैं एक बड़ा बाउल ले लिया, 2 चम्मच जो दही लिया वो लिया, ऐड किया और रोस्टेड बेसन जो रखा वो लिया और सूखा मसाला में 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर। अच्छी तरह से बैटर बनाऊंगी। अभी उसमें थोड़ा सा दही का बाटी में मैं थोड़ा सा पानी लिया वो ऐड किया, क्योंकि पनीर को इसमें पनीर ऐड करना पड़ेगा। इसमें थोड़ा स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लेती। जो पनीर पीसेस कट के रखा था ऐड करके ऊपर नीचे करके अच्छी तरह से मिला लेने का। ऐसे अच्छी तरह से मैरिनेट कर लिया और उधर ऑयल भी गर्म हो गया। एक एक करके पनीर को मैं ऑयल में पहले हल्का फ्राई कर लेती हूँ सेलो पे। सब पनीर ऐड कर दिया। एक साइड होने के बाद आराम से ऐसे कलर आएगा, ऐसे पलट लेने का। धीरे धीरे पनीर बहुत सॉफ्ट होता है, इसके लिए बहुत सावधानी से फ्राई करना चाहिए। अभी ऐसे दोनों तरफ फ्राई हो गया। अभी एक प्लेट में निकाल लेती हूँ मैं।
वही ऑयल में जो खड़े गरम मसाला और तेज पत्ता रखा था वो ऐड कर दिया, और थोड़ा सा जीरा, अक्खा जीरा, कंदा रखा था वो कंदा भी ऐड किया ऑयल में, थोड़ा फ्राई होने के बाद जो अदरक लहसुन का पेस्ट लिया वो ऐड कर दिया, और उसको भी थोड़ा फ्राई कर लूँगी अच्छी तरह से, जैसे कच्चा स्मेल निकल जाए तब तक फ्राई कर लूँगी। अभी टमाटो जो लिया था बारीक कट के रखा था वो ऐड कर दिया, और वो भी थोड़ा टाइम फ्राई करूँगी सॉफ्ट होने तक। अभी इसमें थोड़ा जल्दी पक जाता है, थोड़ा सॉल्ट ऐड कर लेती हूँ, बाद में और नहीं करूँगी। फ्राई हो गया, अभी थोड़ा सूखा मसाला भी ऐड करूँगी यही ऑयल में, इसके लिए मसाला दूसरे साइड में ले लिया, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 कश्मीरी रेड चिली है, इसमें तीखा नहीं ज़्यादा होता लेकिन कलर बहुत अच्छा आता है, धनिया पाउडर 2 चम्मच, और अच्छी तरह से मसाले के साथ मिला लें। ऑयल में कश्मीरी रेड चिली डालने से कलर बहुत अच्छा आता है और स्वाद भी अच्छा आता है। अभी मसाला फ्राई होके तैयार हो गया, क्योंकि देखिए साइड से ऑयल छोड़ रहा है मसाला में, मसाला फ्राई हो गया। अभी जो मैरिनेट किया था वही बाटी में ग्रेवी बनाने के लिए थोड़ा पानी ऐड करके मसाला में ऐड करूँगी। ग्रेवी थोड़ा बॉईल होने को दूंगी, बॉईल अभी पनीर ऐड करूंगी एक एक करके। ऐसे अलग से अच्छी तरह से मिला लूंगी, और 5 मिनट पनीर के साथ और उबाल के तैयार हो जाएगा पनीर टिक्का मसाला। फिर लास्ट को गरम मसाला पाउडर और पनीर टिक्का मसाला ऐड कर दिया, और अच्छी तरह से मिला लिया। देखिए कितना बढ़िया कलर आया, और पनीर टिक्का मसाला बनके तैयार हो गया, और बंद कर दिया। अभी 1 सर्विंग बाउल में मैं पनीर टिक्का मसाला को सर्व कर लेती हूँ, मैं दिखाती हूँ कितना बढ़िया। देखिए कितना बढ़िया पनीर टिक्का मसाला बनके तैयार हो गया, स्वादिष्ट पनीर टिक्का मसाला बनके तैयार हो गया। फिर मिलेंगे एक नया रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय बाय बाय।